Hello students, in the last video we have completed LTI system, okay? But one more topic I will consider related to LTI system is periodic convolution, okay? हम लोगों ने अभी तक linear convolution study किया है. Actual में हम लोगों ने अभी तक convolution ही study किया है, जिसे by default हम लोग कहते हैं linear convolution, okay? But एक तरीके का और convolution होता है, that is called periodic or circular convolution. ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक जो है मेनली आपका जब आप डीएफटी डिस्कस करेंगे तो हम लोग बहुत डिटेल में इस टॉपिक को कंसीडर करेंगे, बट अभी के लिए चूंकि आपने कॉन्वोल्यूशन पढ़ लिया है और जो कॉन्वोल्यूशन आपने पढ़ा है दैट इज कॉल्ड लीनियर कॉन्वोल्यूशन और उससे बिल्कुल मिलता जुलता है ये टॉपिक आपका सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन या पीरियोडिक कॉन्वोल्यूशन. तो मैं अभी आपको इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन करके हम लोग आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको सिखा देता हूं. इसकी जो मेन थ्योरी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर डीएफटी, ओके, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म. क्लियर है? तो एक सिंपल सा एग्जांपल आप देखिए, जैसे सपोज करिए हमें यहां पर एक्स एन गिवन है 1, 3, 6, 4 और हमें एच एन गिवन है यहां पर 1, 1, 2, 1. ओके, तो हमें यहां पर बोला गया है कि आप सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करके वाई एन कैलकुलेट करिए. ओके, क्लियर है? अच्छे से यहां पर आप ये बात ध्यान रखिएगा, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपका एक्स एन और एच एन दोनों ही पीरियोडिक होगा, ठीक है ना? पीरियोडिक सिक्वेंसेस के लिए आप सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन उन चीजों को मेनली डिस्कशन हम आफ्टर डीएफटी ही करेंगे. अभी मैं आपको सिर्फ ये लर्न करवाने वाला हूं कि आपने जो लीनियर कॉन्वोल्यूशन लास्ट वीडियोस में स्टडी किया हुआ है उसका यूज करके कैसे हम सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो यहां पर आप देखिए, सपोज करिए हमें एक्स एन और एच एन गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग लीनियर कॉन्वोल्यूशन यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि लीनियर कॉन्वोल्यूशन कैलकुलेट करने का सबसे इजी मेथड इस तरह के सीक्वेंसेस के लिए है टेबुलर मेथड. ओके, तो हम लोग सबसे पहले टेबुलर मेथड का यूज करके लीनियर कॉन्वोल्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं देखूं कि लीनियर कॉन्वोल्यूशन करने के बाद जो आउटपुट आएगा उसमें कितने नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ सैंपल्स इन आउटपुट इन वाई एन, ठीक है, इसे हम एल वाई कह दें अगर, तो ये क्या होगा, एल एक्स दैट इज 4 प्लस एल एच दैट इज अगेन 4 माइनस 1, कितने सैंपल्स होंगे आपके 7. ये मैं आपको ऑलरेडी स्टडी करवा चुका हूं, ठीक है? तो अब आप देखिए यहां पर हम टेबुलर मेथड का यूज करेंगे और वाई एन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है? तो आप देख लीजिए दोनों इनपुट कौन कौन से हैं आपके, एक है 1, 3, 6, 4, ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं 1, 3, 6, 4 और सेकेंड है 1, 1, 2, 1. ओके, तो अब हमें टेबुलर मेथड यूज करना है, तो हम टेबल बना देते हैं. यहां पर फर्स्ट रो हम लिख देते हैं 1, 3, 6, 4 क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1 था, अगेन मल्टीप्लाई बाय 1 है तो 1, 3, 6, 4, देन मल्टीप्लाई बाय 2 है तो 2, 6, 12, 8, देन मल्टीप्लाई बाय 1 है तो 1, 3, 6, 4. ओके, क्लियर है अच्छे से? अब आप देखिए यहां पर हम लोग डायगोनल्स बना लेते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा जो लीनियर कॉन्वोल्यूशन है वाई एन, उसके आंसर समय हर एक डायगोनल से मिलते चले जाएंगे. तो वाई एन कितना हो जाएगा आपका, फर्स्ट डायगोनल में क्या है 1 है, सेकेंड में 1 प्लस 3 4 है, थर्ड में देखिए आप 2 प्लस 3 5 5 प्लस 6 11, देन नेक्स्ट में कितना है आपका 6 प्लस 1 7 7 प्लस 6 13 13 प्लस 4 17, देन नेक्स्ट कितना है आपका 12 प्लस 3 15 प्लस 4 19, देन नेक्स्ट 6 प्लस 8 14 और लास्ट कितना है आपका 4. ओके, अगर आपको कभी भी डाउट हो कि आपका आंसर कहीं रॉन्ग तो नहीं हो गया है लीनियर कॉन्वोल्यूशन का, अभी आप इस तरीके से शो कर दीजिए इसे, क्योंकि हमें यहां पर सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो लीनियर कॉन्वोल्यूशन को हमने शो कर दिया L से. तो
तो अब आप चेक कर लीजिए कि कहीं आपका लीनियर कॉन्वोल्यूशन का जो आंसर है कैलकुलेशन वाइज कहीं रॉन्ग तो नहीं हो गया है। उसके लिए मैंने आपको एक प्रोसेस बताया हुआ है कि जो समेशन ऑफ एक्स है इनटू समेशन ऑफ एच है इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्या होता है वाई। तो अगर मैं समेशन ऑफ एक्स देखूं तो कितना हो जाएगा 3 + 1 = 4, 4 + 6 = 10, 10 + 4 = 14। ओके, तो यहां पर आपका जो समेशन ऑफ एक्स एन है वो आ गया 14। नाउ समेशन ऑफ एच एन आप देख लीजिए कितना है आपका एच एन 1 1 2 1, मतलब 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4 + 1 = 5। ओके, तो समेशन ऑफ एच एन है आपका 5। नाउ समेशन ऑफ वाई एन आप कैलकुलेट कर लीजिए। समेशन ऑफ वाई एन अगर हम देखें यहां पर तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 + 4 = 5, 5 + 11 = 16, 16 + 17 = 33, 33 + 19 = 52, 52 + 14 कितना हो जाएगा 66, 66 + 4 = 70। तो ये हमारा आ गया 70। तो क्या यहां पर समेशन ऑफ एक्स एन इंटू समेशन ऑफ एच एन दैट इज 14 × 5 70 के इक्वल होता है? यस बिल्कुल होता है, मतलब हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है लीनियर कॉन्वोल्यूशन का। तो एक बार हमने अगर लीनियर कॉन्वोल्यूशन निकाल लिया, उसके बाद हमें सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन के लिए क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, वाया यूजिंग लीनियर कॉन्वोल्यूशन ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करना है आपको, आप देखिए लीनियर कॉन्वोल्यूशन में आपके टोटल 7 टर्म्स हैं। ओके, तो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे आउटपुट yn में, सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा। ओके, तो यहां पर आप देखिए xn में नंबर ऑफ सैंपल्स कितने थे 4, ठीक है, और hn में कितने थे आपके 4। तो सर्कुलर में क्या होता है, जो ly होता है आपका वो होता है मैक्सिमम ऑफ lx कॉमा lh। जैसे आपका लीनियर में क्या था, lx प्लस lh माइनस 1 था, यहां पर क्या होता है मैक्सिमम lx कॉमा lh, ये होता है आपका सर्कुलर में आउटपुट में नंबर ऑफ सैंपल्स। क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर अब आप देखिए ly कितना हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ 4, 4 तो 4, 4 में मैक्सिमम क्या होगा 4 ही है, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि आउटपुट yn में 4 सैंपल्स होने वाले हैं, ठीक है। तो अब प्रोसेस क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, जो आपका लीनियर कॉन्वोल्यूशन आपने कैलकुलेट किया है उसमें से फर्स्ट 4 सैंपल्स जो आपको दिख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट 4 सैंपल आपने क्यों लिए, क्योंकि जो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन के आउटपुट में नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं आपके 4, ये आपने कैलकुलेट कर लिया है। तो लीनियर में सबसे पहले फर्स्ट 4 सैंपल्स आप ले लीजिए, तो क्या क्या है 1, 4, 11, 17। ओके, तो आप लिख दीजिए इस तरीके से 1, 4, 11, 17। क्लियर है अच्छे से? अब क्या करना है आपको, जो बाकी के रिमेनिंग रह गए हैं 3 सैंपल्स 19, 14 और 4, उसे अब आप सेकेंड रो में लिख दीजिए 19, 14 और 4, और लास्ट में आप लिख दीजिए 0, मतलब जो स्पेस आपका ब्लैंक रह जाए उसे आप लिख दीजिए 0। ओके, अब इन दोनों रोज को आप ऐड कर दीजिए तो आपका सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का yn जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो 19 + 1 = 20, ओके 14 + 4 = 18, 11 + 4 = 15 और 17 + 0 = 17। ओके, तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन। ओके, तो आउटपुट yn हमारा यहां पर कैलकुलेशन हो गया। तो आप देख पा रहे हैं बहुत इजी है। मेनली यहां पर क्या था, चेंजेस क्या थे, कि आपको ये आइडेंटिफाई करना था नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे आउटपुट yn में। तो ध्यान रखिएगा मैक्सिमम ऑफ lx एंड lh, और उसके बाद लीनियर कॉन्वोल्यूशन के आंसर का यूज करना है बस हमें। यहां पर ये आंसर तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका कि जीरो, जो आपने यहां पर जीरो लगाया है ना, उसे हम लोग कहते हैं पैडिंग ऑफ जीरो। तो ये पैडिंग ऑफ जीरो क्या होता है, जो भी स्पेस आपका ब्लैंक छूट जाएगा लीनियर कॉन्वोल्यूशन के सारे सैंपल्स को लिख लेने के बाद, जो भी स्पेस आपका ब्लैंक रह जाएगा उसमें हम जीरो लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड पैडिंग ऑफ जीरो, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं
इस सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन के कैलकुलेशन में हमने कितने जीरो पैड किए, तो आपका आंसर होता वन। ठीक है, क्लियर है अच्छे से। अब यहां पर देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए आपका एक्सन है, सपोज करिए 1, 2, 3, 4, 8, 12, 15, ओके, और एचएन है मेरा 2, 1, 1, 1, 3, 1, 3, 4, 5, 1, ओके, ये है मेरा एचएन। अब मुझसे पूछ रहा है कि अगर इस एक्सएन और एचएन का यूज करके सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन किया जाए, तो उस सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में हाउ मैनी जीरो वी नीड टू पैड, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन के कैलकुलेशन में हाउ मैनी जीरोज वी नीड टू पैड, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में सिखाया है कि लास्ट क्वेश्चन में आपको एक जीरो पैड करना पड़ा, इस क्वेश्चन में आपको कितने जीरो पैड करने पड़ेंगे, पैडिंग ऑफ जीरोस, ओके, जो आप एक्स्ट्रा जीरो लगाते हैं उसे हम कहते हैं पैडिंग ऑफ जीरोस। तो आपको पता है, देखिए आपको यहां पर वाई एन नहीं निकालना है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, तो वो करके टाइम वेस्ट मत करिएगा एग्जाम में। यहां पर आप सिर्फ प्रोसेस इस तरीके से करिए कि आपका पैडिंग ऑफ जीरो कितना लगेगा वो आपको समझ में आ जाए। तो देखिए यहां पर एलेक्स कितना दिया है आपको, आप देख लीजिए कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एलेक्स है 7, एलएच कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो एलएच है आपका 10। क्लियर है अच्छे से। तो एलएक्स और एलएच हमें पता चल गया। अगर हम लीनियर कॉन्वोल्यूशन करते, ठीक है ना, लीनियर कॉन्वोल्यूशन, यहां लिख दीजिए कि जो वाई एन जो आपका निकलेगा उसमें आपके कितने सैंपल्स होंगे, तो 7 + 10 - 1 कितने हो जाएंगे, 16 सैंपल्स, ओके। तो हमें यह पता चल गया लीनियर कॉन्वोल्यूशन में वाई एन में 16 सैंपल्स होने वाले हैं। अब अगर मैं यहां पर सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन की तरफ जाऊं, कैलकुलेशन की तरफ, तो उसमें एल वाई कितना होता है, मैक्सिमम ऑफ एल एक्स कॉमा एल एच, मतलब 7, 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 10। तो आपका सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में आंसर आता 10। तो मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है कि जब भी आपको सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करना हो, तो आप सबसे पहले एल वाई निकाल लीजिए सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में, जो कि आया 10। तो अब आपको क्या करना है, लीनियर कॉन्वोल्यूशन में जो आपके 16 सैंपल्स हैं उसमें से फर्स्ट 10 सैंपल्स को आप पहली रो में लिख दीजिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट 10 सैंपल्स आप कहां लिख देंगे, पहली रो में लिख देंगे यहां पर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो में आपको क्या करना है, सेकेंड रो में अब आप देखिए फर्स्ट 10 सैंपल लिखने के बाद बाकी कितने सैंपल आपके बच गए, 6। तो आप सेकेंड रो में 6 सैंपल लिख देंगे। तो अगर आपने फर्स्ट रो में 10 सैंपल लिखे हैं, सेकेंड रो में अगर आप सिर्फ 6 सैंपल लिख रहे हैं, तो कितने स्पेस ब्लैंक रह गए आपके, 4 स्पेस ब्लैंक रह गए। तो हाउ मैनी जीरोस विल बी पैडेड, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 4। तो आपको 4 जीरो यहां पर पैड करने पड़ेंगे। क्लियर है अच्छे से। तो ये आपका एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, लीनियर कॉन्वोल्यूशन का यूज करके कैसे हम सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन कर सकते हैं, ओके। तो ये मैंने आपको बेसिक एनालिसिस यहां पर करवा दिया है। इसका जो मेन डिस्कशन होगा वो DFT में होगा, ठीक है। तो अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिए। थैंक यू।